वही खबर सिकंदरा से, जहां अवैध तरीके से प्रशासन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर खुले दुकान के अंदर एक महिला खरीददार को दुकान के अंदर बंद कर भागा दुकानदार। ये कैसा लॉकडाउन जहां सरकार के आदेश फीके नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बिना लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। मामला है सिकंदरा चौराहे के बांदीकुई रोड कटले स्थित एक फैंसी स्टोर का, जहां नायब तहसीलदार जयसिंह चौधरी व पटवारी पप्पूलाल सैनी कार्रवाई करने पहुंचे तो उन्हें आते देखकर दुकान की शटर के अंदर एक महिला ग्राहक को बंद करके दुकानदार फरार हो गया, जिससे अन्य दुकानदार से चाबी मंगवा कर 15 मिनट के बाद उसे बाहर निकाला गया। साथ ही कटले को आगामी आदेश तक सीज कर दिया गया है। गौरतलब है कि बढ़ते संक्रमण के बीच भी लोग प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने में लगे हैं। मैं मार्केट में निकला तो मुझे एक आदमी पहले से ही संदेह था कि ये आदमी बार बार दुकान पे क्यों खड़ा रहता है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ नजर डाली वो भाग गया। तो दुकान में देखे तो अंदर एक लेडीज को बंद करके भाग गया। 15 मिनट तक वो लेडीज बंद रही, फिर पड़ोसी मेडिकल वाला आया, उससे उसकी चाबी मंगवा के उस लेडीज को निकाला और दुकान को सील किया। तो लेडीज जब तक बंद रही उसमें आधे घंटे, 15 मिनट के करीब लेडीज बंद रही। अच्छा, दुकान का क्या नाम? चैनल गेट था। अच्छा अच्छा, जो कटला था पूरा वो सीज किया। कटला था पूरा, उसमें कोई फैंसी स्टोर है, कई जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उससे पूछा था लेडीज से, तो उसने कहा था मैं ब्लाउज खरीदने गई। अच्छा, तो दुकान को सीज कर दिया गया। दुकान को सीज कर दिया।